हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं दिव्या अग्रवाल आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। अगर आप एस्पिरेंट हो गेट एक्सेल के, दैट इज लाइफ साइंसेज के, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको आपकी और हमारी वीडियोज की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कैसे दो कंपाउंड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में यू नो एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा या लो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड उसके साथ में कोई ऐसा एलिमेंट, राइट, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, और उसके साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिर्फ ये तीन, फोन, इनके साथ एच बॉन्डिंग हो सकती है अगर ये जो हाइड्रोजन है ये किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी, राइट। तो मतलब जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे कार्बन लिखा, तो आप सोचो कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच है क्योंकि कार्बन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनिगेटिव, राइट। तो दिस इज फर्स्ट फंडा। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझें तो दो तरह के एच बॉन्डिंग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, इंटर मॉलिक्यूलर, और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, राइट, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में आप रखोगे तो वो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले तो एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। तो ये है हमारा, जैसे कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसके साथ में हमें दिया हुआ है Me2SO4, और हमें बताना है कि इनमें से किसका बीपी ज्यादा होगा। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होने वाला है। देखो, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस कदर नजर आता है, और एक और सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं बनाऊंगी, राइट, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड एक और बनाऊंगी तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ, राइट, और आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रही है, हो चुकी है। तो एच बॉन्डिंग हुई इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अलग अलग मतलब इंडिविजुअली, एक साथ नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हुए, उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये चीज है, ठीक है। अब अगर हम Me2SO4 की बात करें, इसको मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, राइट, लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो अगर मैं Me2SO4 की बात करूंगी तो वो इस तरह से दिखता है, CH3O, ओके, फिर सल्फर, फिर यहाँ पे OCH3, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, राइट। अब इसके साथ में अगर मैं सोचूं कि जो HCH2O, ऐसे अगर मैं लिख दूं, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, ओके, डबल बॉन्ड ओ, ऐसे अगर मैं सोचूं, मतलब एक पार्ट मैंने नहीं लिखा बिकॉज यहाँ कहीं पे आपको इश्यू होगा। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये तो कार्बन से कनेक्टेड है, मैंने अभी भी बताया था कि ये एच बॉन्डिंग नहीं होती, दिस इज नॉट कंसिडरेबल, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देर विल बी नो एच बॉन्डिंग, एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देर इज बैक बॉन्डिंग, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से हम कहेंगे दिस इज वन एंड दिस इज टू। तो किसका बीपी ज्यादा होगा, 100% इसका ज्यादा होगा, एंड इसी का एविडेंस भी, इसका जो बीपी है वो है 337 डिग्री सी, और इसका जो बीपी है वो होता है 186 डिग्री सी। काफी ज्यादा डिफरेंस है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द सेम फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेम टॉपिक। ओके, नेक्स्ट अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ से H3PO4, और H3PO4 को मैं कंपेयर कर रही हूँ Me3PO4 से, और अभी आप अगर सोचें कि किसका ज्यादा होगा तो आप अगर पहले वाला लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि अगर मैं H3PO4 की बात करूंगी तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट आता है। देखो, अगर मैं H3PO4 को बनाऊंगी तो वो इस तरह से बनेगा, राइट, और जब H3PO4 को इस तरह से हम बनाएंगे, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ, तो अगर मैं इसका इस तरह से अगर मैं बनाऊंगी तो आप देख सकते हो दिखने में तो लगता है ना एच बॉन्डिंग हो रहा है, ओके, बट ये जो एच बॉन्डिंग है ना इफेक्टिव नहीं, इट्स नॉट इफेक्टिव एच बॉन्डिंग। रीजन क्या है, एक तो फॉस्फोरस लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और दूसरा बात है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो एच बॉन्डिंग का जो इंट्रैक्शन है वो ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एच बॉन्डिंग दिखने में थियोरेटिकली लगता है बट प्रैक्टिकली अच्छी एच बॉन्डिंग नहीं हो पाती। बट अगर मैं Me3PO4 की बात करूंगी तो Me3PO4 में क्या होता है, हिंड्रेंस ज्यादा होता है ना,
और हिंड्रेंस ज्यादा हो जाने की वजह से, यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कि सा कुछ कंपाउंड बन जाता है, और इस बहुत सारे बल्कि कंपाउंड एक साथ आने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है H3PO4 से। और एविडेंस क्या कहता है, एविडेंस हमें ये कहता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 197 डिग्री सी है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 158 डिग्री सी है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, इसमें अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं एग्जाम में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग होते हुए भी एच बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम कर रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड दूसरा हमने एग्जांपल लिया CH3NO3, राइट, CH3NO3। तो अगर हम इसको बनाएं, राइट, अगर हम इसको बनाएंगे तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि यहां पे बहुत ही बढ़िया वाली एच बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं पहले बना देती हूं जैसे इस तरह से मैंने बनाया, ओके। तो मैं यहाँ पे एच बॉन्डिंग बना सकती हूँ, यहाँ से भी मैं एच बॉन्डिंग कर सकती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़िया एकदम अच्छी बैक बॉन्डिंग है। और जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जो डिग्री है बॉन्डिंग पॉइंट इसका 87 डिग्री है। और अगर मैं CH3NO2 की बात करूंगी तो जो CH3NO2 बन रहा है गाइज, यहाँ पे कोई भी चांसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे चांसेस, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया एक चीज, क्या बताई, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काउंट नहीं किया जा सकता बिकॉज यहाँ पे कार्बनल हाइड्रोजन है, तो दिस इज नॉट एच बॉन्डिंग। तो एविडेंस भी यही कहता है, इस थियरी से मतलब मैच करता है। इसका जो बैक बॉन्डिंग, इसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है वो 64 डिग्री सेल्सियस है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको और क्वेश्चन करा देती हूँ सेम चीज के, ओके। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैंने लिखा, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से हमने लिया ये आपका पैरा पोजीशन पे कंपाउंड बना हुआ है, ओके, डाइफिनॉल, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं इसमें ऑर्थो एंड मतलब पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है जो कि पैरा पोजीशन पे OH लगे हुए हैं, इसमें क्या हो सकता है, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो सकता है, राइट, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकता है, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो सकता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हो रहा है। इंट्रा मोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, विद इन द मोलिक्यूल, और यहाँ पे क्या है, इंटर मोलिकुलर है, मतलब इसके साथ अगर एक और मोलिक्यूल में बना दूं तो वो उसके साथ में एच बॉन्डिंग कर सकता है इस तरह से, राइट, देख सकते हैं आप, देखो यहाँ से एच बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, तो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर। मैंने आपको बताया था इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ेगा। इंट्रा, दिस इज इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, और अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा तो जो बॉन्डिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी यही कहता है, और जो वैल्यूज आती है इस वाले की वो आती है 280 डिग्री सी, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 245 डिग्री सी, ओके। तो ये आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसको भी मैं इरेज करती हूँ। अब चलते हैं आगे और सवाल देखते हैं कुछ, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दीज आर स्मॉल चीट कोड्स विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर मैंने इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे OH लिखा, और एक और एग्जाम्पल लिया, से यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिया और यहाँ पे मैंने और यहाँ पे नहीं लिया, मैंने OH यहाँ पे ले लिया, ओके। और अगर हम देखें तो अगर हम इस एच बॉन्डिंग की बात करेंगे और इस एच बॉन्डिंग की बात करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से सोच सकते हो, है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, फोर मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि 5 मेंबर रिंग इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फोर मेंबर, फोर मेंबर तो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे तो होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर, बट यहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर नहीं होगी तो यहाँ की इंट्रा नहीं करेगा तो इंटर कर सकता है, है ना, इंटर करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 1 और 2 में से कंपेयर करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं छोटा सा नाइट्रो के साथ में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा OH, फाइन, और यहाँ पे लिखा नाइट्रो, ओके, और सिमिलरली मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिया OH और यहाँ पे लिया नाइट्रो, ओके। तो आप मुझे बताओ, आप मतलब आराम से सोच सकते हो उसके बारे में कि किसका एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो 100% बिल्कुल क्लियर कट है कि इसका जो एच बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रहा है और यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल है तो वो आपस में ही कनेक्ट होकर रह जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे
यू नो लार्ज है ये, तो इस वजह से यहाँ पे बैक बॉन्ड जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये एक्जैक्टली वही केस है जो हमने अभी अभी देखा था। ओके, सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। जैसे हमने लिया CH3COOH एंड साथ में हमने लिया एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, C2H5 हो चुके। तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है विच शुड बी मोर यू नो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो अगर हम एसिटिक एसिड को देखेंगे तो जो एसिटिक एसिड होता है वो कुछ इस तरह से आपको नजर में आता है, मतलब मैं इस तरह से बना सकती हूँ इसको, राइट इस तरह से मैं बना सकती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हुआ, और ये जो C2H5OH है, C2H5OH यहाँ पे भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो एच बॉन्डिंग होगी वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी की एसिटिक एसिड में होती है, मतलब बैक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी इंटर मॉलिक्यूलर है और यहाँ पे भी इंटर मॉलिक्यूलर, बट दोनों में से ये वाली ज्यादा इफेक्टिव। आप देख सकते हो डबल साइडेड एच बॉन्डिंग हो रही है ना, डबल साइडेड एच बॉन्डिंग है, तो दिस इज मोर इफेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड इट इज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दिस इज इथेनॉल। तो अगर मैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल इन दोनों में से देखूंगी किसका बीपी ज्यादा होगा, तो वन का बीपी ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द सेकंड। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीट कोड के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।